एसोसिएशन उधमपुर। जैसे कि हम पहले भी बता बोल चुके हैं कि जब भी हमारी सिविल सोसाइटी और जम्मू कश्मीर की जनता को कोई परेशानी आई है, बार एसोसिएशन उधमपुर, बार एसोसिएशन जम्मू आगे आए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ी है और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लिया है। कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू ने जैसे कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लिया और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया। तीन इश्यूज़ पे हमारी ये स्ट्राइक है। पहला, जो स्मार्ट मीटर्स जो फोर्सफुली इंस्टॉल किए जा रहे हैं, दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स, और तीसरा जो स्लोटर और प्लाजा पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे YRS के मेंबर्स, उनको जो अरेस्ट किया उनकी रिहाई के लिए। हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही दरख्वास्त रहेगी LG प्रशासन से कि जो हमारा अब सोए हुए शेर इसको मत जगाओ, क्योंकि हमने बहुत बहुत बड़ी बड़ी एजिटेशन लड़ी हैं, चाहे वो एम्स एजिटेशन हो, चाहे जो अमरनाथ रो एजिटेशन हो। जो स्मार्ट मीटर से हमें बताएं आपने आज तक कौन सी इंडिया में कौन सी जगह पे लगाए हैं और हमारे जम्मू कश्मीर पे क्यों एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की बात रही, मैंने आपको बताया पोस्ट एब्रोगेशन 370 के बाद हमारी मार्केट आज तक रिज्यूम नहीं हुई। पहले 3 महीने इंटरनेट की सेवा बंद रही, मार्केट रिज्यूम नहीं हो सकी, उसके बाद 1.5 साल कोरोना पीरियड रहा। आज तक हमारे जो बेचारे यहाँ के व्यापारी हैं वो पूरी तरह से अपना जो व्यापार है संभाल नहीं सके। इसके ऊपर आप जजिया कानून एक के ऊपर एक हम पे लागू जा रहे हैं। मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि हमारे पे एक्सपेरिमेंट करना बंद करें। हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमें दुखी करना बंद करें और जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं इनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, नहीं तो हमारी जो ये प्रदर्शन है आगे और उग्र होगा और इसकी जो जिम्मेवारी LG प्रशासन को लेनी होगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही दरख्वास्त करता हूँ कि ये प्रशासन सोई हुई प्रशासन जागे और जो हमारे जेन्युइन मसले हैं इनको जल्द से जल्द रिड्रेस करे, नहीं तो जो भी आने वाले टाइम पे ये प्रदर्शन उग्र होगा। करो मारे चाहते हैं किस कसूर में आज 6 दिन हो गए उनको अंदर रखा हुआ है, उनकी रिहाई के लिए आज ये प्रोटेस्ट किया है और इसी प्रकार हम उनका पूरा साथ देते रहेंगे और जो उनकी डिमांड है जेन्युइन डिमांड है कि जो 40 किलोमीटर के पास जो स्लोट टोल प्लाजा लगाया उसको उखाड़ दिया जाए ताकि जम्मू का मोड ऐसा ही जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हम पे थोपा जाए। जब से ये LG साहब आए हैं कोई ना कोई नया फरमान हम पर थोपा जा रहा है। ये ना समझे कि मैं इनको बता देना चाहता हूँ, उधमपुर में पहले भी हड़तालें होती हैं और ये ना हो कि बम बम बोले वाले की हड़ताल हो जाए, जैसे कि उस समय सारा जम्मू सारा एक होकर इकट्ठे होकर जैसे कि हो गया था। उसी लिए मैं ये उधमपुर बार मंडल या मेरे साथ स्वर्णकार संघ के ये जोगिंदर जी खड़े हैं, इनकी तरफ से या जितनी यूनियन प्रेजिडेंट मेरे साथ आए हैं सारी सिडनी यूनियन है, उनकी तरफ से आज ये जो हमने प्रोटेस्ट किया है और आगे भी जिस प्रकार हमें लगेगा हम आपस में बैठेंगे और अपनी टीम जितनी भी हमारे जो असिस्टेंट प्रेसिडेंट है बिठा कर जो हमारा डिसाइड होगा हम इसको आगे चलाएंगे और एकजुट होकर चलेंगे ताकि हमारा एक शहर का अच्छा संदेश जा सके। भारत माता की जय।
भारत भारत किया जा रहा है, क्योंकि जो उपराज्यपाल निकम्मा उपराज्यपाल जो हमारे जम्मू कश्मीर को यूपी बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो कि मैं कहूंगा अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, आज भी वह मुखबिरों से कम नहीं है, चुप करके बैठे हैं और यहाँ पे टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हम उनके खिलाफ आप यहाँ पे नेशनल हाईवे बंद करके अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।